ये टूर्नामेंट का ग्रुप बी से सेकेंड मैच जो हम देख पा रहे हैं, जुवान स्टार क्लब राजबेड़ा वर्सेस सीएसके मिलन टीम जामरी बरहिट के बीच में एक मजबूत कॉन्टेस्ट होने की संभावना। और इसी बीच श्यामलाल जैसे खिलाड़ी एक अच्छा पास वहां पर निकालते हुए बाबूलाल हस्ता के लिए वहां से कटबू के लिए बहुत ही सुंदर क्रॉस अपने सपोर्टिंग प्लेयर्स के लिए, लेकिन गेंद वापसी हुआ है। निश्चित रूप से वहां पर यह हमारे राजबेड़ा की टीम ये थोड़ा सा मिस टाइम पास निकलता हुआ राजबेड़ा यहां से लाइन से गेंद को आगे खेलने का प्रयास, दो दो प्लेयर्स को बीट करने का, लेकिन गेंद इस वक्त मौके पर टच लाइन से बाहर गई। जो कि स्टूडू अच्छा इंटरसेप्शन वहां से, निश्चित रूप से गेंद यहां पर और एक बार राजबेड़ा के लिए। पांच नंबर ताला ने गेंद को एक लेफ्ट शॉट लगा है वहां पर प्लेयर्स का भाव, लेकिन गेंद जाएगी वन बाउंड सीधे कीपर के ग्लव्स में, हार्दिक पांड्या के ग्लव्स में। और यहां से राजबेड़ा टीम गेंद को आगे खेलने का प्रयास करेंगे और इसी बीच गेंद पोजीशन यहां पर राइट लेग के चंद्र से जो राइट फुल बैक के पोजीशन से खेलते रहे हैं ये खिलाड़ी अच्छा क्लियर किए। वही आठ नंबर जब तक गेंद को कनेक्ट करते उतना ही तक गेंद टच लाइन से बाहर चली गई। और आज इस टूर्नामेंट के सेकेंड डे में जितने भी दर्शक दीर्घाए जितने भी ऑडियंस सभी को हैं, आप सबको और एक बार इस कबंची मंच से इस शिवलाल मांझी स्पोर्टिंग क्लब बोकरी पहाड़ की ओर से आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और इस मैच के बाद जो टूर्नामेंट का आज ग्रुप बी से जो तीसरा मुकाबला खेला जाना है, दोनों टीम्स के जो टीम के मैनेजर हैं आप अभी से अपने प्लेयर्सों को अवगत रखेंगे अगला मैच के लिए। एफसी ड्रीम 11 गोड्डा वर्सेस एफसी बरहरबा साहेबगंज, अगला मैच के लिए आप तैयार रहेंगे। इसी बीच यहां पर छह नंबर फिलिप्स और टीम का कैप्टन वहां पर गेंद को कनेक्ट करने के बाद वहां से डीप में खेलने का प्रयास, अभी भी फिलिप के कब्जे में गेंद, श्याम सिंधु को बीट किया गया है, इसी बीच फिलिप का क्रॉस आएगा, लेकिन निश्चित रूप से वहां से ये गोपी उरांव का एक शानदार स्थिति, यहां से गेंद पोजीशन इस बार जीत लिए हैं यहां पर ये हमारे जामरी की टीम के कैप्टन वहां गोविंद मान तो पीछे खेलते हुए यहां पर कन्हू के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन बनता हुआ। और यहां से गेंद राजबेड़ा के लिए सात नंबर पर गए खिलाड़ी जब तक अपने सपोर्टिंग को खेलते बाहर, थोड़ा सा बेस्ट टाइम पास हुआ छोटे सुरेंद्र के द्वारा, गेंद वहां प्ले से बाहर हो जाएगी। और टीम है तो हम समय मैच की रीति का लगभग चौथा ब्रेक था प्रगति ने बना, निश्चित रूप से जैसे जैसे समय हुई दिया मैच ने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट काफी ज्यादा बदलाव वहां पर लिया, मरियन एक रन में पीछे मौका बना हुआ इनका अच्छा इंटरसेप्शन है डिफेंस जब कौन यदि पसर उन्हें सोनू हंसदा अडमोज वापसी की तरफ यह क्रम में ताला कब्जे की बॉल, ताला अडमोज बॉल पोजीशन में होगा बेखिल माध्यम से उन्हें 11 नंबर बाबूलाल हसदाल की बॉल, बाबूलाल उन्हें खोल डीप में बोलो लेकिन लहाते बांगती के तरफ टाइम से गति का टीम मोच सुंदर फुटबॉल। और उन्हें खोल संजीत एन वक्र उन्हें बॉल बाय अगर दायरा करो तो उन्हें खोल बाकी बंगरा ईश्वरन डिफेंस लाइन बीच मजबूत खड़े उन्हें खोल बीच मौके ने मार पड़ता लेकिन नसीना बॉल नियर पोस्ट ऑफ टारगेट ही चला रहा निश्चित ही वहां पर अगर सेकेंड पोस्ट को निशाना लगाते तो हो सकता था एक गोल का संभावना बनता वहां बड़का के द्वारा जो कि यहां पर आठ नंबर में खेलते हुए बड़का टुडू राइट विंग के छत्र से। इसी बीच वहां पर नौ नंबर पहने हुए खिलाड़ी माफ कीजिएगा ये मुंशी सोरेन है लेकिन आर पार बड़का के लिए गेंद को बढ़ा दिया है, बड़का वहां पर गेंद को कनेक्ट कर लिया है, इसी बीच राइट साइड के क्षेत्र से अंदर घुसने का प्रयास गेंद के साथ, लेकिन उनके प्रयासों को वहां ब्लॉक किया गया
और वहां से गेंद को निकाला गया है इस बार, लेकिन और एक बार यहां पर गेंद पोजीशन को अपने कब्जे में लेने का प्रयास, जबरी पर हिट, अच्छा रिकवरी हो गया है वहां पर टीम के कैप्टन गोविंद बल्तो के द्वारा, अच्छा पास वहां पर संजीत फेवरम, लेकिन यहाँ गेंद डिफ्लेक्ट होने के बाद और एक बार राजबेड़ा की टीम, दोनों टीम यहाँ पर मजबूत मुकाबले को खेलते हुए, छह नंबर इस बार फिलिप सोरेन के कब्जे में गेंद, टीम के कैप्टन है फिलिप, राइट साइड के छतों से अंदर जाने का प्रयास, एक बार अच्छा पास लेकिन ये ऑफसाइड के ट्रैक में फंस जाएंगे उनके सहयोगी खिलाड़ी, अच्छा कॉम्बिनेशन एआर टू और पेच रेफरी के बीच में, और निश्चित रूप से यहाँ से एक इनडायरेक्ट फ्री किक लेते हुए प्रयास चौदह नंबर लगी सिद्धार्थ रूरू, सिद्धार्थ ने तीन नंबर आरने से गति कर दिया, लेकिन उन्हें कौन अच्छा इंटरसेप्शन राइट फुल बैक द्वारा, और इसी के साथ गेंद को आगे ले जाते हुए वहां पर दस नंबर जोसफ, लेकिन ये ऑफसाइड के ट्रैक में फंसे मुंशी, अच्छा डिसीजन और अच्छा ले रहे बिल्कुल, ये तो हो समय खून के मैच रहे तेजी पन की नगो का अपना टीम, और देखो टीमोच क्रॉस ताला लगी ताला उन्हें कौन बोल जीता बा जो उन्हें बोल प्लेयर है तो होता नहीं आपने खान जी नहीं बोल उन्हें कौन गोल लाइन कौन भारे यार, बेहतरीन खेल आज दिन का ये टूर्नामेंट का ग्रुप बी से ये सेकेंड मुकाबला, और अभी तक यहाँ पर दोनों टीम का अगर आप खेल देखें तो लगभग 50-50 का ये मुकाबला, यहाँ पर हेड फाउल आ गया है और वहीं पर छोटा सा फ्री किक लेने के बाद श्याम के लिए गेंद को खेला गया, श्याम वहां पर कन्हू को खेलते हुए, कन्हू ने वहां पर संजीत को खेल लिया, और ये देखिए इतना सुंदर पासेस वहां पर बनता हुआ कन्हू, वहां पर कन्हू पीछे खेल दिया पुनः और बार, और जबरी टीम अच्छा गेंद पोजीशन को बना रहे थे, लेकिन गेंद मौके पर वहां थोड़ा सा मिस टाइम पास हुआ और गेंद वहां गोल लाइन से बाहर चली गई, निश्चित रूप से अभी तक खेल दोनों ही टीम ने मैदानी खेल जो दिखाया है बहुत ही बेहतर, लेकिन अभी तक उस प्रकार का अटेम्प्ट जो है हुआ नहीं है, दोनों टीम्स ने शॉट अभी तक उस प्रकार का ट्राई किया नहीं है पोस्ट पर, अक्रम ने उन्हें कौन दो नंबर आर्मी थॉम गोविंद गोविंद सीधे मिटे फ्लैटेड शॉट लगा होगा बेन खान आर्मी थॉम ने कौन डिफेंडिंग टीम से कौन मुंशी होना कौन कंट्रोल करते लाल से गतिया अक्रम ने मुंशी होना बोले सप्लाई लाया लेफ्ट विंगर लगी और टाइम थिकिन गति के बाद तीन नंबर उन्हें जोगेश टुडू ही रहेगा ना, और चार नंबर का तो राइट फोन का अपना पोजीशन खुने गति का ताला सोरेन अपना बोले खिलोट भाव का उन्हें कौन बालका लगी अटिमोच बोले सप्लाई लहा किना उन्हें कौन संजीत हेमराम बांग करते उन्हें कौन गोविंद मालतो गोविंद वहां पर गेंद आगे खेलते हुए संजीत को खेला गया है वहां से बहुत ही सुंदर पास ये मौका बनेगा लेकिन हो जाएगा ऑफसाइड बाबूलाल हंसदा पहले से वहां पर फंस चुके थे ऑफसाइड के ट्रैक में जैसे ही उनके पास गेंद गई वहां पर अनिल प्रोड्यूसर का फ्लेक हवा में लहराता हुआ इतना अच्छा डिसीजन हमारे रेफरी मंडलियों का और पूरे ऑफिशियल टीम्स को और एक बार शिवलाल मांझी स्पोर्टिंग क्लब बोकरी पहाड़ की ओर से टीम को हम दिल से धन्यवाद करते हैं शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि एक एक मैच को इन्होंने बहुत ही सुचारू ढंग से संचालित किया है और यहां से देखना होगा मौका बनाएंगे इस बार बड़का क्या गेंद को प्ले में रोक पाएंगे लेकिन जी नहीं गेंद का जो रेंज था जो गति था वो थोड़ा तेजी और यहाँ गेंद को रोकने का असफल हो गए सक्षम नहीं हो पाए और गेंद वहां गोल लाइन से बाहर चली गई लेकिन ये ऑफसाइड हो जाएगा
अगर वहां ताला ही गोल लगते तो ये ऑफसाइड का सिचुएशन शायद हमको लगता है नहीं होता, लेकिन जैसे ही उनके सहयोगी खिलाड़ी वहां पर बबूलाल गेंद को लिए वो फंस चुके थे ऑफसाइड के ट्रैक में। इतना बेहतरीन डिसीजन और इतना सटीक डिसीजन रेफरियों का, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूरे रेफरी टीम को। और ये गोल हालांकि मान्य हुआ नहीं, क्योंकि अगर ताला ही वो गोल में कन्वर्ट करते तो हो सकता था यहाँ पर ये गोल मान्य होता, लेकिन उनके सहयोगी खाली ने गेंद लेकर के गोल में कन्वर्ट किया और ये फंस चुके थे ऑफसाइड के ट्रैक में। चलिए खेल बहुत ही बेहतर, और एक बार मौका बनाएंगे वहां पर कन्हू 6 नंबर लेफ्ट साइड के छत्र से वहां डीप में जाने का प्रयास, हल्का सा वहां पर एक लोफ्टेड शॉट समांतर दिशा में, चेस डाउन किया वहां और क्या टूडू, अभी भी डेंजर जोन पर गेंद, हमला पनप सकता है, आक्रमण होने की संभावना, बाबूलाल हंसता लेकिन गेंद को निकाला गया है। 3 नंबर वहां से जोगेश टूडू का खेल वहां अपने सपोर्टिंग के लिए, लेकिन गेंद लगता है डेंजर जोन से निकल जाएगी। और ये बीच यहां गेंद पोजीशन ताला, यहां से 2 नंबर पहले में खाली गोविंद माल, तो गोविंद ने आगे गेंद को खेला जरूर, लेकिन इसी बीच यहाँ पर 6 नंबर फिलिप के कब्जे में गेंद, और फिलिप वहां से गेंद को आगे ले जाते हुए, फिलिप के कब्जे में ही गेंद है, बहुत ही सुंदर क्रॉस एंगल पर खेलते हुए, लेकिन बहुत ही सुंदर इंटरसेप्शन वहां से जोगेश टूडू का। और इसी बीच यहाँ निश्चित रूप से गेंद पोजीशन जो होगा इस बार राजबेड़ा की टीम, राजबेड़ा की टीम भी बहुत ही बेहतर खेल रहे हैं, लेकिन अभी तक आक्रमण जो देखने को मिल रहा है ज्यादातर समरी बहित की ओर से, 11 नंबर वहां पर स्टार प्लेयर्स बाबूलाल हंसता अंदर घुसने का प्रयास, मौका बनाएंगे 2-3 प्लेयर्स को बीट किया, लेकिन कभू का कनेक्शन गेंद के साथ लगा नहीं, अन्यथा वहां पर हो सकता था खतरा, खास करके ये हमारे राजबेड़ा के लिए इतना बेहतरीन, इतना हाई फ्रेशिंग मुकाबला आज दिन का ये सेकेंड मैच। बघा जी बोले के लिए लहंदा कैप्टन आदमी तो बघा है, देखो बोले दिखे बढ़िया फिलिप सोरेन देखो ना एकदम सपोर्टिंग बने गति यहां, लेकिन ये क्रम रे लेफ्ट विंगर को गति के दिया और एक कौन बॉल वहां से सप्लाई है 16 नंबर ब्लॉक का खिलाड़ी कोई देता है का मुड़े जैसे बोले मुंशी गति यार मुंशी उन्हें कौन मीठे रॉकेट शॉट लगा बा उन्हें कौन फिलिप लगी प्ले उन ना इशारा है एकरा ए आर द्वारा और एक कौन फिलिप सोरेन लहाते बांगाती करते उन्हें कौन टाइम दे गति के 10 नंबर शॉट ट्राई के किया जोसेफ मरंडी ए, लेकिन बॉल चला उड़ा पोस्ट खन बगलते ऑफ टारगेट रे और पहिल हाफ हाँ का समय बुन जले का हाफ ज्यादा तो बाकी मात्र 14 मिनट का समय तो प्रगति रे बना, लेकिन नवा मैच प्रेमी थे भी अंदर लिखान ज्यादातर मैसी के अवसर को जाम कर उन्हें खन जामरी पहिल और मात्र एक शॉट नोटे जेल लिखा उनका प्रभावशाली शॉट लेकिन ऑफ टारगेट जोसेफ मरंडिया बोले बाबूलाल गजब का जबरी बहित की ओर से, लेकिन अभी तक सही फिनिशिंग हुआ नहीं है, कब तक सही तरीके से गेंद को फिनिश कर पाएंगे, ये फंस जाएगी ऑफसाइड के ट्रैक में। और यहां से डायरेक्ट फ्री किक इस बार राजबेड़ा 6 नंबर टीम के कैप्टन महा गेंद को मिस के इसी बीच संजीव हेमरम गेंद के साथ आगे बढ़ते हुए अपने सहयोगी के लिए गेंद में गेंद को खेलेंगे, आगे ना खेल करके गेंद को पीछे खेला श्याम सिंह टू सोरेन के लिए 12 नंबर पहले में खाली वहां पर रन को बेहतर करेंगे अच्छा पास निकालेंगे ये हो जाएगा ऑफसाइड और अच्छा डिसीजन थोड़ा सा दबाव थोड़ा सा प्रेशर जरूर बन रहा है राजबेड़ा के ऊपर में, लेकिन राजबेड़ा की टीम अच्छा डिफेंसिव भी किया है, हालांकि उस प्रकार का नजदीकी अवसर अभी तक बना नहीं पाया है राजबेड़ा, लेकिन यहां से अच्छा क्रॉस निकलेगा फिलिप आगे गेंद को खेल देंगे लेकिन उतना ही तक में गेंद प्ले से बाहर हो जाएगी। और ये थे अपना मैच लगी अबेन बनाते हैं टीम मैनेजर अबेन बड़ा कौन की बना उगत क्यों करा
नवा पांडोर हाँ अपना मैच युवा उन्हें इतने नेत कौन के अपन प्लेयर्स को अपन अवगत तो हो क्यों अपन नेक्स्ट मैच लगी महाराजास आनुने कौन मीठे मौका अपन वह नौ नंबर मुंसी लेकिन जहां बाघराई हो वहां पर उनको क्रॉस करना उतना आसान नहीं होगा उनको बहुत ही अच्छी तरीके से टेकन किया गया नौ नंबर मुंसी को और जो यहां पर मुंसी के लिए मौका बन रहा था वो मौका को निरस्त कर दिए और ऐसा ऐसा लग रहा है यहाँ पर राजबेड़ा की टीम भी अपना प्लेइंग को चेंज कर रहे हैं मैच में सुधार ला रहे हैं इसी बीच यहाँ पर फिलिप सोरेन अंदर घुसने का प्रयास अच्छा क्रॉस वहां पर खेल दिए हैं पेनल्टी बॉक्स के लगभग में गेंद इस बार आक्रमण हो सकता था लेकिन गेंद निकल जाएगी लेकिन रिकवरी हो गया है इस बार और यहाँ एक प्लेयर इंजर्ड होते हुए वहां मेंटेनेंस ग्रुप के जो लड़के हैं हो जाइए पानी के साथ पहुंच जाइए और साथ ही साथ फर्स्ट एड बॉक्स भी वहां पर पहुंचा दीजिए और इन्हें रफ्तार के गति के ना बना टीम और भाई भाई थे तो हम समय थोड़ा कम प्रेशर थोड़ा कम दबाव बनाओ करते हैं खास करके राजबेड़ा लगी खन खन जैसे जैसे वहां समय हुई तो निश्चित ही वहां पर गोल आता क्योंकि हमको लग रहा था गेंद पर रेंज काफी ज्यादा था और इस टूर्नामेंट का जो मैं जिक्र कर रहा था इस टूर्नामेंट का जो प्राइज बनी है यहाँ से जो भी टीम जीतेगी विनर प्राइज को जीतेगी वो ऑफसाइड हो जाएगी यहाँ पर क्योंकि पहले से बाबूलाल ऑफसाइड के ट्रैक में थे विनर प्राइज 1 लाख प्लस एक विनर ट्रॉफी दी जाएगी चमचमाता हुआ ट्रॉफी रनर अप टीम को 80,000 प्लस एक रनर अप चमचमाता हुआ ट्रॉफी दी जाएगी और सेमी फाइनल में जो भी टीम हारेगी उसको 20,000 रुपया प्लस ट्रॉफी दी जाएगी और साथ ही साथ यहां पर जो हम देख पा रहे हैं उसके साथ इंडिविजुअल प्राइज रखी गई है बहुत अच्छा अच्छा यहां पर प्राइज रखा गया है प्लेयर्सों के लिए यहां पर बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द टूर्नामेंट ये मौका बनेगी बहुत ही अच्छा वहां पर उसे पकड़ेगा लेकिन एक मौके पर गोल खंभा के निकट वहां डिफेंडिंग टीम के प्लेयर्स मौजूद सात नंबर में है छोटे सोरेन कमाल की अपनी टीम के लिए और जो एक मौका बन रहा था यहाँ पर राजबेड़ा जैसे टीम को दबाव में लाने का उस मौका को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है जबरी टीम का गोल से बचाई हालांकि कॉर्नर कंसीड हुई यहाँ मौका बनेगा लेकिन गोलकीपर के ग्लव से गेंद छूट गई थी लेकिन अच्छा रिकवरी हुआ हरकुश सोरेन के द्वारा और यहाँ पर जो इंडिविजुअल प्राइज है प्लेयर्स के लिए बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द टूर्नामेंट बेस्ट डिफेंडर बेस्ट मिडफील्डर ये सारे प्लेयर्सों के लिए अच्छा अच्छा पुरस्कार रखा गया है इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लेयर्सों से कि आप अच्छा से अच्छा खेल खेलें और जो इंडिविजुअल प्राइज रखा गया है सबों के लिए आप इसके हकदार बन पाए और इस मैच का बचा हुआ समय का अगला विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत करने के लिए रखने के लिए मैं हमारे बीच हमारे सीनियर कमेंटेटर कोच हुए हमारे तुषार दा को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इस मैच का अगला विश्लेषण के लिए धन्यवाद हरियोडी सराव सुशील आर्बिटेक भरासान मैच का आइथो बकान हेंदे कलर या जर्सी को हरा का टीम जबड़ी पर हिट लगातार आक्रमण को बना दा नोड़े सुराय पेड़ा चितार रहे और मित्र भी नवा मैच रहे नतीजा पनारगी 0-0 रहे राज बेड़ा टीम उत्तर नखा खोई और फिर से खोई जमड़ी बरी आखो जमड़ी टीम आक्रमण बना रही है कुरुबटो संजीत बॉल आता रहे बनाया थोड़ा गान होड़ा है पांच ने लेट किया और उन्हें ये थर्ड ट्राई कोई बॉल थोड़ी छह नंबर जैसी हो रहा हूँ खिलाड़ी गाना फ्री चांस से जाम लेता अन्य दा हो नोड़े मैन खांची गोपी हो रहा हूँ उड़े खतरनाक गोल कीपर कराए उन्हें तो जहाल का था बॉल सुट मारे को करा और बखाय नोड़े छह नंबर इनांडरगी टीम कैप्टन फिलिप सोरेन नैतिक की मौका ही जाम लेता के कल गोल लाड़िया किया मैं था थोड़ा गन की समय से करा नवा मैच रहे पहल हाफ रहे निया बादरी आपका गाती हुई हूँ बना टीम रेड कैप्टन अबे रे खिलाड़ी रेडी दो को बैन एफसी ड्रीम 11 गोड्डा और एफसी बरहरवा तिहिना तिसार मैच निया बादू बनियल जावा बना टीम रेड कैप्टन खिलाड़ी का सूची बढ़िया प्रति रहे बना बैन और अबे रे खिलाड़ी रेडी दो को बैन एक कॉर्नर को जीता है इस बार देखना है किस तरह से
जीवन स्टार क्लब राजबेड़ा की टीम इस पॉइंट को गोल में तब्दील कर पाए गया नहीं। पहला हाफ का थोड़ा सा समय जो शेष बची हुई है उसमें दोनों टीम का क्या स्कोर लाइन रहता है। इसी बीच ये शॉट लेकिन गोल पोस्ट के थोड़ा सा पीछे से गया तो बाहर निकल गई और इस तरह से कोई खतरा नहीं। दोनों टीम 0-0 पर गोलकीपर जबड़ी ब्रेड से कोई गति कर एक से बढ़कर एक स्टार रोड़े जबड़ी ब्रेड से कोई मिनट हुआ उन्हें अगर डिफेंस आ रहा है योगेश टुडू और बगराइल का खिलाड़ी फॉरवर्ड लाइन रहे अगर हम यहाँ खा जहाँ स्पीड स्टार मिले हैं बाबलाल हस्ता साथ साथ होल्डिंग मिडफील्ड को संजीत और कनूल का खिलाड़ी बॉल सप्लायर भी आ गया है और नाते को अगर हम देखा फुल बैक रहे अड़े बेहतरीन खिलाड़ी बनाए अड़े सोनू हासदा ये तभी अड़े मौज आया टीम लगी और छोटे सोरेन लेकिन बना रहा किना एरिया को अड़े मौज बॉल किन बचाओ गु कर आदि तभी बैठा दिखो अड़े मौज थोड़ा का टर्निंग पास मौका भी दरिया के ना ठीक बोलो आसमान गोल एरिया रे तो बोलो चुके कर आर हो खतरा भी दरिया के ना संजीत बोल शूट रखते थोड़ा का सही तालमेल बांग सही गोलिंग बांग आर्नवाल का थे नवा मौका था है करा नवा मौका दो नोड़े की चपाई ना लगभग लगभग नवा मैच दे आखिरी समय नवा पहिल हाफ रहे नेलबोन नवा गति दिया आर हो उधर आ गोल एरिया रे मैन था नोड़े गोल कीपर सारा संभावना चपाई तुम्हें आर नियम साथ की नवा मैच रिया हाफ टाइम रिया ऐसा रही ना और हाफ टाइम दबी रहे बना टीम भी 0-0। तो इस तरह से आज का ये दूसरा मुकाबला पहला हाफ का समाप्ति हो गया है। कवरेज किया जा रहा है दो कैमरा से तो किया ही जा रहा है साथ में ड्रोन कैमरा से यह का जो दृश्य है और एक्टर हेलो मैन दिन 300 सब्सक्राइबर होला बाकी है अब टीम को ना तो अब नोडन को वो सब्सक्राइब कर देता नोडन को ऑडियंस को थैंक लगे हेलो हैं आप आपे पे रोड के दफ और ले उनाते उन्हें 100 सब्सक्राइबर को भेज नमी इन दे धन्यवाद देना चाहूंगा यहां के जो ऑडियंस है उन्होंने पिंकू को बहुत सपोर्ट किया है 377 जो सब्सक्राइबर कल यहाँ पर उन्होंने सब्सक्राइब किया उनके आने के बाद तो इसी तरह से पिंकू जी को सपोर्ट कीजिए क्योंकि वो बहुत ही सिर्फ यहाँ ही नहीं बड़े बड़े टूर्नामेंट का वो कवरेज करते हैं अपने चैनल में डालते हैं और 40,017 उनके हो चुके तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इसी तरह से वो आगे बढ़ते रहेंगे। तो मैच की तरफ हम रुख करते हैं स्कोर लाइन 0-0 की बराबरी पर आप जो देख रहे हैं इस वक्त सफेद और ऑरेंज कलर जो बाही में दिखाई दे रहा है इस वक्त ये टीम है CSK मिलन टीम जबरी इस वक्त ब्लैक जर्सी में और व्हाइट शॉर्ट्स में और एक तरफ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जुवन स्टार कलर राजबेड़ा सफेद जर्सी जो कि बाकी में ऑरेंज कलर दिख रहा है 0-0 का स्कोर लाइन है। देखना होगा ये फर्स्ट हाफ में ये बहुत आसान मैच चला दोनों टीम्स के लिए विकल्प अभी भी दोनों टीम्स के लिए बहुत ही अच्छा है और एक कॉर्नर की क्या पर मिलता हुआ लेकिन एक बड़ा रिकॉर्ड है इस साल का किसी के नाम ये रिकॉर्ड नहीं रहा है कॉर्नर किक में किसी भी टीम को बॉल नहीं मिला लो कॉर्नर यहाँ पर और अभी भी बॉल पोजीशन यहाँ पर है जबरी के पास लेकिन तेजी यहाँ पर राजबेड़ा टीम के खिलाड़ी अटैकिंग के लिए तैयार बहुत ही बेहतरीन ड्रिबलिंग यहाँ पर गोल मिलने का चांस है लेकिन क्लियरेंस आएगा लेकिन बॉल पोजीशन फिर से आ जाएगा राजबेड़ा के पास जीवन स्टार राजबेड़ा रिकवरी बहुत ही बेहतर किया था लेकिन चेस्ट आउट करने के बाद फिर से बॉल पोजीशन आएगा और यहाँ पर ऑफसाइड गिरा दिया गया और किसी को कंफ्यूज नहीं होना है आप एक खिलाड़ी को देख पा रहे हैं जीवन स्टार के लग राजबेड़ा की तरफ से जैसे नंबर 8 में जो खेल रहे हैं सोनू हासदा सोनू हासदा जो बॉडी लैंग्वेज से कुछ अलग ही लगते हैं लेकिन ये बेहतर खेलते हैं
सकल सूरत से ये विदेशी मुल्क के खिलाड़ी के जैसे लगते हैं। और मैंने देखा है हमारे भारतीय खिलाड़ी भी जो अपना हेयर स्टाइल है वो अलग अलग तरीके से वो बनाते हैं। इसी बीच में यहाँ पर मौका बनता हुआ, लेकिन चाहिए यहाँ पर असिस्ट और क्लोज लेग की तरफ। आठ आठ में भिड़ा तो वहां पर सोनू किस तरह से मार किया वहां पर बड़का टुकड़ू को और क्लियरेंस आया है वहां पर और थ्रोइंग लेने का मौका जमरी पर हेड को। सुशील आपको बता रहे थे कि प्रत्येक साल की तरह भी इस साल भी पार्टिसिपेट किया है जमरी बधेड़ की टीम और इस बार देखना होगा इन दोनों टीम्स में से कौन सी टीम आखिरकार के अगले राउंड के लिए जगह बनाएगी। इसी बीच में थ्रोइंग वहां पर और पास वहां पर मिला है 17 नंबर पर खेल रहे खिलाड़ी पोजीशन फिर से आ गया है जमरी बधेड़ सीएसके मिलन टीम जमरी बधेड़ के पास की बॉल पोजीशन बहुत अच्छा खेल यहाँ पर। अब प्लेस का यूसेज और बॉल पोजीशन को ज्यादा रख रहे हैं तो ये अच्छी बात है जबरी बरहेट के लिए। जबरी बरहेट की ओर से लंबा हवाई बॉल सेंटर फॉरवर्ड के लिए खिलाड़ी है शॉट लीजिए भाई यहाँ से थोड़ा सा लेट किया पास निकाला गया है आठ नंबर पर खेल रहे खिलाड़ी वहां पर बड़का के लिए लेकिन बड़का ने थोड़ा सा लेट किया और क्लियरेंस आया वहां डिफेंस लाइन से थ्रोइंग के साथ बॉल पोजीशन और आक्रमण करने का एक सुधर अवसर फिर से मिलता हुआ सोनू का वहां पर हेडर आया सोनू लेकिन उतना बेहतर भी नहीं। संजीत के पास बॉल है संजीत ने वहां पर पास निकाला और काठू के लिए फिर से वहां पर बैक पास आया बड़का के लिए बड़का के बाद फिर से एक बार उतना अच्छा अटक ही है नहीं बन रहा है बड़का के पास स्पेस है यहां से एक दो बार गोलकीपर को टेस्ट कर सकते हैं। और बाबूलाल पिछले सीजन के मैन ऑफ दी सीरीज रहे हैं जबकि गोविंद पाल तो मैन ऑफ दी 21 की बात है ये 2021 में गोविंद पाल तो मैन ऑफ दी सीरीज रहे थे 2022 में बाबूलाल हमसा मैन ऑफ दी सीरीज रहे हैं। और इस साल दोनों खिलाड़ी एक टीम से खेल रहे हैं अच्छा अटेम्प्ट लेकिन लाजवाब कीपिंग यहां पर मरकुस सोरेन के द्वारा 11 और 9 में जिस खिलाड़ी को देख पा रहे हैं 11 नंबर में खेल रहे हैं बाबूलाल हमसा वो अभी 2021 में बाबूलाल 2022 में वो मैन ऑफ द सीरीज रहे थे जबकि गोविंद माल तो 2021 में जिस खिलाड़ी को आप 9 नंबर जैसे पर खेलते हुए देख रहे हैं ये दोनों खिलाड़ी मैन ऑफ द सीरीज अपनी टीम मैनेजमेंट को इससे बड़ी आस होगी यहां से मौका गोल स्कोर करने का लेकिन थोड़ा सा सुस्ती वहां पर थोड़ा सा लीड की इस वजह से यहां मौका नहीं बना लेकिन रिटर्निंग शॉट आया था लेकिन बहुत ही बेहतरीन क्लियरेंस आता हुआ डिफेंस लाइन से पर मौका नहीं बना जमरी बरहेट के लिए। जमरी बरहेट यहां पर बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ियों का सिलेक्शन उन्होंने किया है योगेश टुडू उसी टीम से खेल रहे हैं जैसे नंबर 3 में ताला खेल रहे हैं 5 में गोविंद 9 में यहां पर काघू खेल रहे हैं 6 में संजीत है 17 में बड़का 8 में ताला सोरेन 4 में तो बहुत ही अच्छे ध्यान है चुपम लगाओ वही देखा है क्या पॉइंट लगा आम जहां पे भी क्लिंग हो रहे हैं अच्छे अच्छे खिलाड़ियों का सिलेक्शन लेकिन गोल स्कोर रहा हुआ इस मुकाबले में देखना होगा अपनी टीम की तरफ से कौन सा खिलाड़ी यहाँ पर पावरफुल यहाँ पर चाय बगान आसम वर्सेस एमसी मिलन स्टार बड़ा खिगरी के बीच में खेला गया उस मुकाबले को चाय बगान आसम ने 2-0 से जीत करके क्वार्टर के लिए क्वालिफाई किया है। और आज का दिन का ये मात्र दूसरा मैच लेकिन दूसरी हाफ का खेल इस वक्त चल रहा है और आपको बता दें ब्लैक जर्सी में और व्हाइट सॉक्स में इस टीम को देख पा रहे हैं ये टीम है सीएसके मिलन टीम जमरी बरहेट और व्हाइट जर्सी और व्हाइट सॉक्स में आप देख पा रहे हैं जुवन स्टार मिलन राज मैडम स्कोर लाइन 0-0 की बराबरी पर और इसी बीच में एक फ्री किक लेने का मौका मिला है लेकिन ज्यादा डिस्टेंस है कीपर से और इसी बीच में अच्छा सरकाव शॉट आया लेकिन गोल लाइन से बाहर ये खतरा नहीं बना और आसानी से चल गया जमरी बरहेट के लिए शॉट बहुत अच्छा और अपने हाथ में बॉल पोजीशन रहेगा मिलन टीम जमरी बरहेट के पास मिलन टीम जमरी बरहेट की तरफ से वहां पर बहुत अच्छा बॉल को आगे निकाल लिया गोविंद पाल ये तुम भाई ऑनले हेलो रिसीवर को जरा चेक कीजिए कभी कभी कनेक्शन वहां कट जा रहा है
और यहाँ पर मौका लेकिन चेक हवा में है तो ये मौका नहीं, ये खराब हो जाएगा ये मौका आसानी से। शून्य शून्य का स्कोर लाइन। बहुत अच्छा शॉट वहां पर लेकिन आगे नहीं जाएंगे वहां पर आसानी से। प्रकोष सरन के लिए ये कलेक्शन बनता हुआ और अब राज बेटा जो निष्ठा राज बेटा कुछ देर से यहां पर देखा जाए तो गेम बहुत अच्छा बन रहा है। जबरी पर हिट के लिए जबरी पर है ये टेस्ट भी नहीं किया कीपर को हल्की चीप वहां पर और आसानी से बॉल निकल गई गोल लाइन से बाहर ली जाएगी बॉल की। अगला मैच के लिए पूरी तैयारी करने की अभी से क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम है। एफसी ड्रीम इलेवन गोड्डा और एफसी अथर्वा दोनों टीम के टीम प्रबंधक महोदय पूरी तैयारी करके रखें, इस मैच के तुरंत बाद आपका मैच होना है इसीलिए ज्यादा लेट मत कीजिए। बहुत बेहतरीन यहाँ बन सकता है बड़का के पास मौका लेकिन यहाँ पर सोनू ने उसका शॉट को ब्लॉक किया और ली जाएगी यहाँ पर कॉर्नर की लेकिन इससे पहले क्या ऊपर चोट लगी है बड़का टुडू को लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर नॉर्मल ये चोट तो ये उठ जाएगी ये फुटबॉल में बहुत ही आम बात है इससे घबराने की जरूरत नहीं है। कॉर्नर की किसी भी टीम के पास ये अचीवमेंट नहीं हेडर लेकिन हेडर गोल नहीं होगा। बहुत सारे खिलाड़ी गोल एरिया के अंदर में बॉल टकरा करके वापस फिर से एक बार संजीत वहां पर संजीत क्या रिटर्निंग फिर से शॉट लगाएंगे और कॉर्नर आग से मौका मिला था लेकिन सोनू का वहां पर लाजवाब के लिए रन लेकिन उतना भी बेहतर नहीं। बहुत बेहतरीन अच्छा पास अपन निकाला श्याम लाल सोने थे मौका यहाँ पर अभी भी डाला नहीं है ये मौका था अभी पेनल्टी एरिया के बाहर में भी हवा में बॉल अजीब गरीब तरीके से हेडर लेने का प्रयास हल्की अपोज लेकिन निर्णायक ने नजरअंदाज किया यहाँ से मौका लेकिन शॉट लेने के लिए स्पेस नहीं दिया बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पर बॉल को आगे जरूर निकाला डिफेंस लाइन में लेकिन खतरा अभी भी पूरी तरह से डाला नहीं है। बॉल फिर से आ गया है पर हेड के पास शॉट आया था लेकिन लाजवाब हेडर कुछ इशारा आया है निर्णायक का यहाँ पर और एक सेट पिच यहाँ पर होगा ये सेट पिच से भी मौका बन सकता था। इससे पहले जो एक सेट पिच मिला राइट कॉर्नर से उसमें ज्यादा कुछ नहीं मिला लाभ मिला कि और ये सेट पिच कारगर बना सकते हैं खिलाड़ी के अंदर में और इसी बीच में यहाँ पर हेडर लेकिन किसके पास ये शॉट गोल लाइन से बाहर बॉल नहीं गई है और सोनू यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बॉल को निकाला खतरे वाले क्षेत्र से लेकिन लाजवाब डिफेंडिंग यहाँ पर डिफेंस लाइन से मिलन टीम की तरफ से यानी हर लाइन को देखा जाए पर बहुत ही अच्छे अच्छे खिलाड़ियों का सिलेक्शन गोपी गोल कीपिंग कर रहे हैं जबरी बरहेट की तरफ से तो ये तरह से टीम को बनाया गया है आप समझ सकते हैं। लाइट जल गया है लाइट का टेस्टिंग अगर हो गया तो उसे बंद कर दीजिए खिलाड़ी इससे बाधित हो सकते हैं। और अब अपने हाथ में क्लियरेंस प्ले से बाहर थ्रोइन थ्रोइन मिलेगा इस अपने अपने हाथ से लेकिन जिस क्षेत्र में बॉल जाएगी यहाँ पर ज्यादातर सफेद रंग के जर्सी पहने खिलाड़ी मिल रहे हैं सोनू यहाँ पर कनेक्शन नहीं कर पाए इसीलिए बॉल रहेगा बड़का बड़का का पास की एक्यूरेसी सही नहीं जल्दबाजी में कर गए और कनेक्शन बेहतर नहीं फिर से थ्रोइन लेने का मौका मिलता हुआ मिलन टीम को मिलन टीम की तरफ से ताला सुरन है यहाँ पर संगीत है मैम थ्रोइन किया है लेकिन उतना बेहतर शॉट नहीं लगा लेकिन फिर भी अपने हाथ से बॉल को आगे बढ़ाएगी राज बेटा राज बेटा की तरफ से अग्रिम पंक्ति में सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन से खुद को पहले से वहां पर पोजीशन करके रखा है बड़का के लिए लेकिन लाजवाब इंटरसेप्शन यहाँ पर
छोटे सुरेन के द्वारा सुरेन टीम से रहेगा मिलन टीम जाने के बाद। आवश्यक सूचना कल भी मोटरसाइकिल चोरी हो गया है, हम लोग उम्मीद तो नहीं अनुमान भी नहीं कर सकते थे। ये अभी भी सूचना आया, ये 5 बजे की बात है, इसीलिए जितने भी ऑडियंस आते हैं आपको आपकी जो हजारों की प्रॉपर्टी है उसे अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो मात्र कुछ भी मुझे लगता है बहुत कम और किफायती रेट होगा स्टैंड का, 10 से 20 रुपये, ज्यादा आपको पे नहीं करना है तो स्टैंड पे रखें। बोला भी मोटरसाइकिल तीना की जिया लिए पेड़ा बजा पे जुकान दबोना तो स्टैंड रहे और गिरे जिर की मोटरसाइकिल और साइकिल को दबाए दबोक पे ना इते नोने पर जहाँ यहाँ बाले ना उसे जब कुपरो लगता पे खाए उन्हर ना जहाँ दृश्य पाए तो होगा बीटी जहाँ जिम्मेदारी पाए तो कुपरो इना तो कुछ नहीं ना इनाउंस मांग इनाउंस है जहाँ यहाँ जहाँ आ कर दबते हैं खास करके साइकिल और मोटरसाइकिल लगी तो जहाँ इनाउंस में नोने पर भाग हुआ सुरक्षित साइकिल और मोटरसाइकिल कमिटी से कोई व्यवस्था होगा बढ़िया पे स्टैंड करना साइकिल और मोटरसाइकिल मिलन टीम की तरफ से ऊपर अच्छा शॉट लगाया प्रभु ने और यहाँ पर गोल होगा नहीं होगा, रुक जाइए गोल को देखने के लिए दिल की धड़कन तेज जरूर होगा आपका लेकिन और कुछ दिल से करते जगह में पेशेंस बना करके बैठे रहे कीपर वहां पर बॉल क्यों रखे हैं अपने जगह में वो सारे इंजर्ड हो गए हैं और निर्णायक वहां पर जा रहे हैं क्या प्रॉब्लम है उनको मुझे लगा कि क्लोज रेंज ये शॉट और मुझे लगता है उसकी गलाई में या पर मोचिया चोट आ गई होगी क्योंकि ये बड़ा चैलेंज था गोलकीपर की लेकिन शानदार कीपिंग वहां पर मरकुस सोरेन के द्वारा और अपने टीम के लिए बहुत बेहतरीन बचाव किया है। इस तरह से यहाँ पर बहुत नजदीक से इतना पावरफुल शॉट लगाया गया था, थोड़ी सी यहाँ पर दाया बाया होता मुझे लगता है शॉट का डायरेक्शन को अगर वो बदलते स्ट्राइकर तो यहाँ 1-0 की बढ़त मिलन टीम पर हेड को मिल सकता था लेकिन और थोड़ा देर तक आप वेट कीजिए गोल को देखना चाहते हैं तो कुछ देर के लिए यहाँ पर मैच रुका हुआ है। अगला मैच के लिए पूरी तैयारी करके रखेंगे एफसी बरहवा और ड्रीम इलेवन गोड्डा, लेट नहीं करेंगे दोनों टीम। लंबी गोल की और इसके बाद अब बॉल पोजीशन राज बेड़ा बहुत ही बेहतरीन पास वहां पर दिया गया था जोसेफ को लेकिन जोसेफ बॉल को वहां पर नहीं ले पाए। टीम के कैप्टन आए थे बॉल लेने के लिए लेकिन वहां भी टीम के कैप्टन ने भी बॉल नहीं ले पाए, थोड़ी सी यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिल रहा है, ऐसी उस तरह का कोई भी शॉट नहीं लगा पाए हैं राज बेड़ा की तरफ से देखा जाए। और क्या क्रॉस आएगा, पोजीशन बना के रखनी होगी टीम के सभी खिलाड़ी लेकिन प्ले में बॉल नहीं रहा, गोल लाइन से बॉल बाहर और गोल की तेजी से अपने टीम को नहीं उसके ओपोनेंट को मिल गया, राज बेड़ा को मिला है ये गोल की इतना देर तक बरकरार रखेंगे अपने पास बॉल पोजीशन बैक पास किया सही सोच और के साथ यहाँ पर खेलता है सेंट्रल लाइन के आसपास से अब आगे अटैकिंग जोन में जाते हुए लेकिन बॉल चली जाएगी गोल लाइन से बाहर, गोल लाइन से बाहर लास्ट टच है यहाँ पर राज बेड़ा का तो यहाँ पर कॉर्नर किक लेने का मौका, ये आधा गोल कल से आज तक किसी भी टीम को नहीं मिला है, यहाँ देखना होगा
अगला मैच के लिए रिपोर्टिंग भी मुझे लगता नहीं हुआ है, अगर रिपोर्टिंग हो गया है तो अच्छी बात है। टीम 11 गोड्डा और एफसी बारहरवा, इंतजार नहीं किया जाएगा जब टाइसिंग में समय निर्धारित किया गया है अपना मैच का 11 बजे का, लेकिन वक्त हो गया 12:33 तो आप समझ सकते हैं 1.5 घंटे का अतिरिक्त समय आपको मिला हुआ है, तो तैयारी करने का ये पूरा जोसेफ यहाँ पर टीम की कैप्टन इतना सुस्ती नजर आया है, डिफेंस लाइन में बेहतर लेकिन रिकवरी दिला दिया है वहां पर मुंशी ने, मुंशी ने रिकवरी दिलाया बहुत ही ज्यादा देर तक पोजिशन को अपने पास बरकरार नहीं रख पाए। शॉट बहुत बेहतरीन राइट लेग में ऑफ साइड, यहाँ पर देना ही नहीं था बॉल जब आपके पास इतना ज्यादा स्ट्रेस था, तो यहाँ पर जरूरी था जोसेफ बनाने की इतना लंबा हवाई शॉट लगाने की राइट लेग में राइट विंगर के लिए और फिर से बोलते हैं सर तालमेल की बेहद गर्मी, सिर्फ एक टीम की नहीं दोनों टीम की यहाँ पर बात करें कभी कभी ऐसा हुआ कि बॉल पोजीशन को आप 5 या 2 से 3 मिनट के लिए रख सकते हैं अगर अटैकिंग के लिए या प्ले को बदल सकते हैं इस इरादे से, लेकिन इसी बीच में बॉल प्ले से बाहर, ये थ्रो इन के साथ ही साथ देर तक बरकरार रख पाएगी जीवन स्टार दलित राज बेड़ा। बॉल बॉयज बॉल दे दीजिएगा अगर वो बॉल बहुत दूर चली गई है, और कमिटी के मेंबर जो बॉल बॉयज की भूमिका में आप उस बॉल को कलेक्ट कर दीजिए, बॉल चली गई है थोड़ी सी दूर उस बॉल को आप लोग कलेक्शन करके आप टेक्निकल मंच के पास रख दीजिएगा, थ्रो इन के साथ बॉल पोजीशन यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ और यहाँ मौका क्रॉस करने का, लेकिन मुझे लगता है इस तरह का स्किल यहाँ पर दिखाना उचित नहीं होगा। जी बिल्कुल बॉल पोजीशन गवा बैठी है राज बेड़ा और तेजी से यहाँ पर आता हुआ, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं उसमें अगर आपने बहुत सारा मैच मिस किया है, कल बहुत सारे हाई वोल्टेज मुकाबले खेले गए इसी ग्राउंड में, उसी लेकिन रखेगा और इसी बीच में यहाँ पर मौका बन रहा था लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से मार किया गया, लेकिन फिर से रिकवरी दिलाएंगे डिफेंस लाइन के खिलाड़ी, बहुत बहुत बेहतर कर रहे हैं अग्रिम पंथी राजबेड़ा को उस तरह का प्रभावशाली शॉट रिलीज करने का कोई भी स्पेस नहीं दिया। इसी बीच में आगे दो दो खिलाड़ी को बैठ करके आगे निकल गए थे, लेकिन जहां से बॉल लड़क के चली गई वहां पर मरकुस के लिए कोई भी खिलाड़ी वहां पर थे नहीं, मरकुस वहां पर और एक खिलाड़ी इंजर्ड हुए इस वक्त फर्स्ट लेकिन गेंद पोजीशन को मुंशी ने जीत लिया है राजबेड़ा टीम और लंबे लंबे डक के माध्यम से गेंद को आगे ले जाते हुए वहां से यहां पर देखना होगा क्या गेंद को पास निकाल पाएंगे, लेकिन जी नहीं, लेकिन रिकवरी हो गया है 3 नंबर के द्वारा, एक हल्का सा लोकेट शॉट लेकिन योगेश टुडू ने अच्छा इंटरसेप्शन किया गेंद प्ले से बाहर और ये मैच समाप्ति का फुल टाइम विसिल और होगा अभी पेनल्टी शॉट आउट और ये दोनों का सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो गया, यहाँ पर तो हुआ नहीं